जन्म जन्म का संबंध है आपका भगवान के साथ, एक दिन का नहीं है। जीव स्वार्थी है, और मैं एक बात कहूंगा, आज का कलयुग का व्यक्ति, हमारे तुलसीदास बाबा कहते हित अनहित पशु पक्षी हु जाना, अपना भला और अपना बुरा पशु भी जानते हैं। लेकिन क्या आप आज के मानव के लिए बात कह सकते हो कि वो अपना भला बुरा जानता है? बोलो, कह सकते हो? इट मीन्स एनिमल्स बेटर देन मी, पशु हमसे ज्यादा अच्छे हैं। उस इंसान को आप क्या कहेंगे जो जानबूझ के अपने आप को मृत्यु के हवाले कर रहा है? उसे सारी बुराइयां अच्छी लग रही हैं, जिसके लिए शास्त्रों में प्रतिरोध किया गया है, उसे बंद किया गया है, उसे मना किया गया है, ये मत करिए, वही करना है। ऊपर से कह देते हम तो मॉडर्न है, हम 21वीं सदी के लोग हैं। 21वीं सदी का व्यक्ति भी माँ के पेट से ही आता है, 21वीं सदी का व्यक्ति भी मुंह से ही खाता है, 21वीं सदी का व्यक्ति भी आंखों से ही देखता है, 21वीं सदी का व्यक्ति हाथों से ही काम करता है, 21वीं सदी का व्यक्ति पैरों से ही चलता है, 21वीं सदी का व्यक्ति भी मरने के बाद चिता में ही जलता है, 21वीं सदी का व्यक्ति भी मरने के बाद वापस नहीं आता, 21वीं सदी के व्यक्ति को भी मरने के बाद किए हुए कर्मों का जो फल है भोगना पड़ता है यमराज और धर्मराज के यहाँ पर। तो तुम कौन सी 21वीं सदी की बात करते हो? 21वीं सदी का मतलब यह नहीं कि तुम्हें पापी होने का परमिट मिल गया है। ना 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 ना, सोच 21वीं सदी के हैं तो यहां हमारे को कम पुण्य में ज्यादा फल मिलता है, 21वीं सदी के हैं तो अपने माँ बाप की थोड़ी सी सेवा करोगे दुनिया कहेगी बहुत अच्छा है, धर्म से थोड़ा सा अटैचमेंट होगा लोग कहेंगे इस युग में इस जैसा वैष्णव नहीं देखा। याद रखना, मेरा काम है सिर्फ, मैं ज्यादा कुछ नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता। लेकिन अगर आप लोग टीवी पे कथा सुनते होंगे तो आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कौन कौन देखता है? बोलना नहीं, सिर्फ हाथ उठाओ, यहां कथा दूसरे हिसाब की होगी, एकदम शांत माहौल, अच्छा है, एसी चल रहा है, आपको भी एसी मिल रहा है, मुझे भी एसी मिल रहा है, एकदम पीसफुल कथा सुनो ना, क्या बुराई है? ये तो राजा परीक्षित का भाग्य था जो बेचारे को दोपहर बिना टेंट वेंट के नीचे जमीन पे बैठा के कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज ने, वो भी 7 दिन लगातार, उठाई नहीं। और एक आप हैं, फर्स्ट क्लास कुर्सी मिली है, एसी चल रहा है, और जब मन किया आए, चाहे 5:30 बज रहे हों चाहे कितने भी बजे, और जब मन किया उठ के चले जाएंगे, हमें कौन रोकने वाला है? हम कोई परीक्षित थोड़ी है महाराज, जब तक मन करेगा सुनेंगे, जब मन नहीं लगेगा चलते बनेंगे, हाँ या ना, चल के देखा। चल नहीं सकते, हाँ आपके पाप अगर ज्यादा हुए तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और अगर पाप थोड़े बहुत भी कम हुए तो 2 दिन जिद करना कथा से, 3रे दिन तू घर में रह जाए तो गारंटी जो तू कहे वो करूं। 2 दिन तो लड़ना पड़ेगा पाप से, क्योंकि पाप ज्यादा है, और भगवान की कथा पापों को, अभी आरती सुन रहे थे, क्या था इसमें, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये पापों से मुक्त कर देती है। हाँ कुर्सी मिल गई है, आपको अलसा भी जाओगे, आलस भी आएगा, अब उससे मुक्ति कैसे मिले, तो थोड़े से ऐसे बैठ जाओ जैसे मैं बैठा हूं, जब थक जाओ तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर ऐसे बैठ जाओ, तटस्थ श्रोता की तरह। आप लोग क्लास में जाते हैं, क्लास में, स्कूल में तो गए होंगे कभी, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, हैव यू? और वहां ऐसे ढुलमुल बैठ जाए तो टीचर क्या कहता है, ढंग से बैठो,
क्यों ऐसे जब बैठोगे तो मन लगेगा ही नहीं। वैसे ही कथा भी एक क्लास है, वो तुम्हारी भोजन रोटी कमाने वाली क्लास है और ये तुम्हारी जीवन को सुंदर बनाने वाली क्लास है। वो तुम्हें रोटी देती है, ये तुम्हें जीवन देती है। एजुकेशन गिव्स हाउ टू अर्न मनी, बट रिलीजियस एजुकेशन गिव्स हाउ टू लिव लाइफ। जिए कैसे, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। ये है वैष्णव, सच्चा प्रेम हो जाए ठाकुर के साथ, जहाँ भी चला जाए, ट्रेन में, फ्लाइट में, घर में, ऑफिस में, जहाँ चला जाए उधर मेरा श्याम ही श्याम नजर आए, तब आनंद आता है, तब अकस्मात निकल जाता है, तेरे बगैर समरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने। ये सच्चा प्रेमी तो इसका हसर जाने, और जो 2400 घंटा हीरो हीरोइन को नाचते हुए देखते हो उनका मन ठाकुर में कहाँ लगेगा, लगेगा क्या? वो तो कहेंगे का ये पागल हो गए जो हर साल कथा करवाते ये लोग, नहीं। लेकिन नहीं मेरे प्यारे, ये कथा जिंदगी में जो देती है वो कोई और दे नहीं सकता। अनपथ्यो मोक्ष्य कामाम श्रणो याच कथाम्यमाम दरिद्रस्य क्षय रोगी। यहाँ पर 21वीं सदी के लोग बैठे हैं, राइट, मॉडर्न लोग बैठे हैं, जींस और टी शर्ट पहनने वाले लोग, फटी हुई जींस पहनने वाले लोग बैठे होंगे, गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्यों बाबूजी नहीं पहनते हैं क्या कुछ लोग फटी हुई जींस? फटा हुआ कपड़ा दरिद्रता की पहचान होता है और आजकल की फटी हुई ड्रेस मॉडर्नेस की पहचान होती है। इसका मतलब है इस संसार में इससे ज्यादा गरीब कोई नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज, Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें, ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।